110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S-200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस घड़ी का बेसब्री से सभी भारतवासी को इंतजार है, आखिर वह दिन आज आ गया है। आपको बता दें, भारत का अधूरा सपना पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 आज उड़ान भरेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं, श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है 2:35 पर, जिसका इंतजार सभी भारतवासी बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई है, आप देख सकते हैं श्रीहरिकोटा में काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3, आप देख सकते हैं तस्वीरें। आपको बता दें सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया जा रहा है, आप देख सकते हैं काउंटडाउन इन तस्वीरों में। बस अब कुछ ही समय बचे हैं जो भारत का अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है, चंद्रयान 3 लॉन्च होने जा रहा है और उड़ान भरेगा। कहीं ना कहीं सभी भारतवासी को इसका इंतजार है, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। बस कुछ ही क्षण और जब चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बेसब्री से सभी को इंतजार है, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। आपको बता दें सपना पूरा होने वाला है, भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। देख सकते हैं आप चंद्रयान 3 ने उड़ान भर ली है, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। आप देख सकते हैं जिसका बेसब्री से पूरे भारत को इंतजार था, वो घड़ी आ गई है, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है, चंद्रयान 3 ने उड़ान भर ली है। आपको बता दें ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है, ये तस्वीरें आप हरिकोटा से देख रहे हैं, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously generating a peak thrust of close to 6000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV based solid propellant. 204.5 tons in each strap on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैप-ऑन्स, द कोर स्टेज हैज आल्सो कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन। दिस स्टेज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड ऑफ हाइपरबोलिक Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल।
The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM3 M4 rocket ka dvitiya charan पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N204 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. One turn stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 किलो न्यूटन्स थ्रस्ट इन वैक्यूम इज व्हाट द स्टेज डेवलप्स विद इट्स 28.6 टन्स प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। प्रेजेंट ऑल्टीट्यूड इज परफॉर्मेंस नॉर्मल। तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकेंड तक प्रचलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit.
The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called RAMBHA to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHAST to measure thermal properties. Chandrayaan 3 par baat karne ke liye hamare saath Dr. S.K. Pandey, Khagol Shastri jude hue hain. Ji sir, aapka INS247 mein bahut bahut swagat hai. Sir, aapka INS247 mein bahut bahut swagat hai. Meri awaaz sun pa rahe hain sir? Arvind Tiwari bol raha hu. प्राचार्य, हेलो, पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको. एक बार फिर बता दें, भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, जहां चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है. आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां ठीक 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया है. पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं. आखिर आगे क्या होगा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में. आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के लॉन्च होने के ठीक 3 साल 11 महीने 23 दिन बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है. ठीक 2:35 पर आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है. इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं. जी अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS247 में. जी नमस्कार. जी नमस्कार. जी, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है भारत के द्वारा, इसे कैसे देखते हैं आप? हम एक नया इतिहास गढ़ने जा रहे हैं. जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 जो है, जो आज अभी 2:47 पे हरिकोटा से छोड़ा गया है. देखिए, आज के दिन का यदि आप ग्रह गोचर देखेंगे तो आज का जो ग्रह गोचर है बहुत कमाल का है. जी, क्योंकि तुला लग्न और वृषभ राशि की कुंडली बनती है और इस समय यदि आप नक्षत्र देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में ये चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ है. और आप देखिए कि इस समय की जो ग्रह स्थितियां हैं बड़ी कमाल की हैं. सूर्य और चंद्र बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं, लगभग डिग्री वाइज यदि आप देखेंगे तो सूर्य मिथुन राशि में, चंद्र वृषभ राशि में है. रोहिणी नक्षत्र को बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है. प्रक्षेपण के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है कर्क राशि. कर्क राशि अपने आप में, कर्क राशि में बुध का गोचर है, तुला राशि में तुला लग्न की कुंडली है और बुध दशम भाव में है. दशम भाव का बुध अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है. सप्तम भाव में यदि आप सप्तम भाव को बहुत ध्यान से देखेंगी तो बृहस्पति और राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं. शनि जो कि प्रक्षेपण का भी एक बहुत बड़ा कारक ग्रह है, वो इस समय पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और थोड़ी देर बाद जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, अभी से 10 मिनट बाद की यदि हम लोग कुंडली बनाते हैं, यदि हम बात करेंगे. जी पंडित जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खगोल शास्त्री एस के पांडे जी जुड़ रहे हैं. जी एस के पांडे जी, पहले आपका INS247 में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद जी. आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च कर दिया गया है भारत से और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है. आपको याद होगा है चंद्रयान 2 में हम कामयाबी हासिल, पता नहीं चला, उसी के कंटिन्यूएशन में
ये चंद्रयान 3 आज लॉन्च किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये जितनी भी क्रिया चंद्रयान उस एरिया में चंद्रमा के लैंड नहीं किया है और ये एक्सप्लोरेशन एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा ऐसा मेरा मानना है। और पहले हट के ऑर्बिटर 100 किलोमीटर तक के तो ये प्रपल्सन जो अपना वो ले जाएगा लैंड लैंडिंग होगी लैंडर की, जिसके साथ साउथ पोल के एरिया में ये लैंड करेगा होपफुली, और उसके बाद धीरे से रोवर को वहां से उतारा जाएगा और आस के क्षेत्रों में फिर घूमेगा। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण साइंटिफिक इक्विपमेंट भीतर पूरा साइंटिफिक जी। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिसका पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। आपको बताएं भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण जहां पर चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM3 M4 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है चंद्रयान 3 को। आपको बता दें जिसकी सफलता से उड़ान भर ली गई है। आपको बता दें जहां पर अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसकी सफल लैंडिंग होगी। माफ कीजिएगा, भारत चौथा देश बन जाएगा अमेरिका, रूस और चीन के बाद आपको बता दें एक बार फिर से कि भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण जहां पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। एक अधूरा सपना भारत का पूरा होने जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही सफल लैंडिंग करा पाए हैं, जिसके बाद भारत ने भी चंद्रयान 3 को इसके लिए भेज दिया है। आपको बता दें जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है ठीक 2:35 पर। सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशन इज अचीव्ड। अभी अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। चंद्रयान 3 हैज अटेन्ड अ मेजर माइलस्टोन सक्सेसफुली। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। दिस इज मिशन कंट्रोल, मिशन डायरेक्टर। The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे। चंद्रयान 3 का मिशन ये सफल रहा है, आप देख सकते हैं भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण जब चौथा देश बन गया है भारत जिसने सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी ठीक 2:52 पर इसने सफलता पूर्वक लॉन्चिंग हो गई है इसकी। आपको बता दें इसने बड़ा, भारत ने एक बार फिर बड़ा मुकाम हासिल किया है, एक बड़ी उपलब्धि भारत के पास आ गई है। आपको बता दें अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ने चौथा ऐसा देश भारत बन गया है जिसने सफलता पूर्वक चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर भारत से, ये भारत ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आप देख सकते हैं जी,
सफलतापूर्वक कक्षा में, अंतरिक्ष की कक्षा में यह प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें प्रक्षेपण हो चुका है इसका। And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit raising maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department and of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit. And once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to apprise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S-200 nozzle, they are processed exactly as...